नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और YouTube के ऑफिशियल शाहरुख चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बनाने जा रहा हूँ WhatsApp का एप्लीकेशन के बारे में, जो कि विंडोज 8 और हायर के लिए उन्होंने बनाया है। कंप्यूटर में WhatsApp चलेगा, तो मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आपने अगर ऑफिशियल शाहरुख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे यहाँ पे जाइए ऑफिशियल शाहरुख की साइट पे, तो आप उसे यहाँ से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल शाहरुख जो के है वो नए नए वीडियो डालते रहते हैं जो कि हिंदी भाषा में होते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी दोस्तों मैं मेरे बारे में आपको बता दूं कि मेरा भी एक टेक्निकल हिंदी के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस पर जाइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस पर डाल के रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें और उसे सब्सक्राइब कर लें, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभी चलिए दोस्तों हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए कि विंडोज 8 और हायर के लिए, मतलब आप अगर विंडोज 7 में से चलाएंगे तो ये नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, आप whatsapp.com ओपन कर ले, तो ये ऑफिशियल इसका वेबसाइट जो कि ओपन हो जाएंगी। इसके बाद आपको डाउनलोड व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये जो डाउनलोड साइट पे है यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप मस्ट बी इंस्टॉल ऑन योर फोन विंडोज 8 एंड हायर 64 बिट, ये पे देखिए विंडोज 32 बिट, जो कि विंडोज 7 के लिए नहीं है। तो आप विंडोज 8 आप डाल लीजिए पहले, इसके बाद ये यूज होगा। दोस्तों 52 MB का एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। आपका विंडोज जिस 32 बिट का होगा 32 बिट के लिए डाउनलोड करें, और 64 बिट का होगा 64 बिट के लिए डाउनलोड करें। दोस्तों आपको अगर नहीं पता तो क्या करें, कंप्यूटर में राइट क्लिक कर लीजिए और प्रॉपर्टीज में चली जाइए, तो आपको यहाँ पे बता देंगे आपका सिस्टम क्या है। मेरा ये देखिए, तो आप क्या करें, x64 बता रहा है, तो आप क्या करें, इस नीचे यहाँ पे 64 बिट पे क्लिक करें। तो मैं 32 बिट पे क्लिक किया और मैंने जो कि है डाउनलोड करके रखा है दोस्तों, तो मैं इसे यहाँ से अभी ओपन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा था, ये देखिए दोस्तों मैंने वहां पे व्हाट्सएप जो कि 52 MB का है मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। आप पहले इसे डाउनलोड कर ले, फिर इंस्टॉल प्रोसेस कर लीजिए। सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है दोस्तों इस पे, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। आपको कुछ भी एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू टर्म्स एंड कंडीशन आपको नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है दोस्तों यहाँ पे खुल चुका है। अब देखिए पूरा व्हाट्सएप जैसा ही है, इसमें आपको उसके चैट व्यू एडिट सब मिल जाएंगे। तो ये है QR कोड, ये QR कोड से ही हम इसे चलाएंगे। तो देखिए मेरे मोबाइल में मैं अभी व्हाट्सएप ऑन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, व्हाट्सएप चलाने के लिए अपने व्हाट्सएप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में जो है आप वही कंप्यूटर में चला सकते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाट्सएप ऐप पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा दोस्तों, मेरा जो मोबाइल का कैमरा है पिछले वाला वो चालू हो जाएगा, और आपको क्या करना है, वो कैमरा इस QR कोड पे ले जाना है, अपने PC पे इस QR कोड पे ले जाना है। देखिए मैं व्हाट्सएप ऐप पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद जो कैमरा ऑन हो गया है, मैं मोबाइल ले गया PC के स्क्रीन के ऊपर। देखिए मैंने QR कोड स्कैन कर लिया है, इसे थोड़ा आगे ले जाइए ताकि अच्छे से स्कैन हो सके। तो देखिए दोस्तों ये स्कैन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप है यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो चैट्स है ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको अगर किसी से चैट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे चैट्स में अगर हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे चैट इमोजी आप सब कुछ सेंड कर सकते हैं, अपना ऑडियो सेंड कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन म्यूट क्लियर मैसेज डिलीट चैट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे गैलरी से आप फोटो वीडियो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा सिंपल एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप अभी व्हाट्सएप ने लॉन्च किया था विंडोज 8 एंड हायर के लिए, तो इसके जरिए आप कंप्यूटर में व्हाट्सएप आप चला सकते हैं। दोस्तों आपको अगर एक कंप्यूटर में से व्हाट्सएप लॉग आउट कर देना है तो क्या करें, व्हाट्सएप पे आप क्लिक कर दे और लॉग आउट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप है ये कंप्यूटर से लॉग आउट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो टेक्निकल हिंदी चैनल में जाइए, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।